नमस्कार, आज हम मुरंगा की सब्जी बनाएंगे, जिसे सहजना की फली भी बोलते हैं, मुरंगा भी बोलते हैं। इसे हमने काट के, इन्हीं दिनों मिलता है ये, और इसे हमने काट के छील के साफ कर लिया है, और आप बीच में कट भी लगा सकते हो इस टाइप से। और आज हम रस्सेबारी बनाएंगे, इसकी सूखी सब्जी बनती है और बहुत ज़्यादा फायदा करती है सब्जी। तो बस शुरू करते हैं, इसके लिए हम मसाला बना लेते हैं। आज मैं आलू डाल के बना रही हूँ, आप आलू नहीं खाते हो तो आलू नहीं डालना, सिर्फ मुरंगा बना सकते हो, प्लस सहजना की फली भी बना सकते हो। क्या हुआ, आप कूट लें या पीस लें लहसुन को, लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो और कूट के भी डाल सकते हो। तो हम 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। मिर्ची आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, आप तीखी हो तो कम लें मिर्ची। पानी डाल के घोल बना लेंगे इसका। तो बस पतला घोल बना लिया है हमने, क्योंकि मसाले फूल जाएंगे इसमें। कुकर में बनाएंगे आज हम, इसके लिए हम कुकर रख दिया है और इसमें तेल डाल लेते हैं। तेल को गरम कर लेते हैं थोड़ा सा, सरसों का तेल है तो ज़्यादा गरम करना पड़ता है, थोड़ा धुआं निकल जाता है तभी बनाए, नहीं तो कच्चे तेल की खुशबू आएगी सब्जी में। तेज़पत्ता डालेंगे, जीरा, और ये जो मसाले का घोल बनाया था हमने वो डाल देंगे, और तो अभी क्या हुआ, जल्दबाजी में मैंने मसाला डाल दिया जबकि मुझे पहले प्याज भूनना था। तो अब मैं क्या करूँगी, प्याज अलग से भून के डालूंगी इसमें। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के मैं प्याज भून लेती हूँ, पहले आपको बताती हूँ, कई बार आपसे भी ये गलती हो जाती होगी। इसमें हम थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, नहीं तो सब्जी में तेल ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत धीमी गैस कर दी है जिससे मसाला भुने नहीं, और इस गैस पर हम प्याज भून रहे हैं। तो बस हमारा तेल गर्म होने वाला है तो इसमें प्याज डाल देंगे। हो गया, प्याज डाल देते हैं और प्याज के हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें, नहीं तो मसाला जलने लगेगा। मैंने पानी डाल दिया है इसमें। तो बस हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम क्या करेंगे, इसे उठा लेंगे। तो हमने क्या किया था, इसमें पानी डाल दिया था तो हमारा मसाला भी भुना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो प्याज है ना, तेल छोड़ देंगे इसका और प्याज को इसमें डाल देंगे। आपकी सब्जी में कम तेल है तो आप इस तेल को भी डाल सकते हो। अब इस मसाले को हम भून लेंगे, गैस तेज कर लेते हैं तो अब जल्दी भुन जाएगा मसाला। तेल छोड़ने तक भूनेंगे मसाले को। और मैं तो वीडियो बनाती हूँ, शायद इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, पर कई बार हमसे गलती से हो जाता है। तो आप इस टाइप से प्याज भून के डाल सकते हो मसाले में। मसाला भुन गया है और अब हम टमाटर डाल देंगे। एक बड़ा टमाटर लिया था हमने, ज़्यादा टमाटर नहीं डालना है इसमें। टमाटर को ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं आलू डाल देते हैं और फली भी डाल देते हैं, इसे भी चलाएंगे थोड़ा सा। बस हल्का सा भून के अब इसमें डाल लेंगे पानी। बहुत पानी नहीं डालेंगे इसमें, बस इतना पानी डाल लेंगे कि डूब जाए सब्जियां इसमें। नमक हमने पहले ही डाल दिया था मसाले में, नमक डालने से मसाला जल्दी भुन जाता है, अच्छा भुन जाता है, इसलिए नमक डालते हैं हम। और अब कुकर बंद कर देते हैं और 2 सीटी लेंगे इसमें कुकर बंद करके, 2 सीटी लेके ठंडा कर लेंगे कुकर को। ज़्यादा सीटी नहीं लेनी है, जल्दी गल जाता है, बस आलू गलना चाहिए। तो बस ये ठंडा हो गया है कुकर, और हम कुकर खोल के देख लेते हैं, ये अच्छे से पक चुकी है। और अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो जैसे आपने पहली बार बनाई, अगर कभी नहीं बनाई है सब्जी, तो जो इस टाइप की जो फलियां होती हैं इनको हम चूस के खाते हैं, क्यों ऐसे नहीं खाई जाएंगी, ये दांतों में फंसा के और फली को खींच लेते हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये।
और इसके जो बाल टाइप के होते हैं वो बाहर निकाल के रख देते हैं। तो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।